सो गाइज, आज के ब्लॉग की ओपनिंग करेंगी मम्मी, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ और आज है भाई दूज। तो मम्मी विश कर दो सबको भाई दूज। हैप्पी भैया दूज सब लोगों को, सब बहनों को, भाइयों को। और एज यूजुअल मेरी मम्मी किचन में ही है, तो चाउमीन बताई है। ओके और पनीर मोमोज बनाऊंगी। ओके तो ये सारी सब्जियां मम्मी ने यहाँ कट कर रखी है, यहाँ पे सारी चीज़ें कट करके रखी हुई हैं। यहाँ मम्मी धनिया वनिया कुछ साफ़ कर रही है, तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन चल रही है आज मम्मी की खाने की। तो एक बार सारा खाना बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों को नहाने के बाद यानी शावर लेने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। कोशिश करूंगी कि आपको दोनों से मिलवा पाऊँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, एंड देन ब्रेकफास्ट में आज कुछ लाइट सा खाने वाली हूँ गाइस मैं, क्योंकि बहुत दिन से, तीन चार दिन से रेगुलर पूरी पकवान वगैरह ये सब चल रहा था, तो आज कुछ लाइट रखने वाली हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और बुआ का वेट करते हैं। सो गाइज़, वैसे तो भाई दूज है बट मैं ब्रेकफास्ट में ना सूप ले रही हूँ। मैंने ये बहुत सारी वेजीज डाल के सूप बनाया है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा मतलब हैवी चल रहा है ना मामला, मतलब इतना सब कुछ हैवी हैवी खाए जा रहे हैं, ऑयली ऑयली, तो आज मन नहीं था। तो मैंने फाइनली अपने लिए ये डिलीशियस सा सूप बनाया है, तो ये मैं सूप पी रही हूँ। ये फ़ोन का कैमरा मेरी सिस्टर का है, एक्चुअल में मेरा चार्जिंग पे है, बिल्कुल बैटरी नहीं थी, तो अभी मैं ये सूप पीऊँगी आज ब्रेकफास्ट में। सो हमारे घर पे गाइज आज के मेन्यू में चाइनीज़ बन रहा है, और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं मोमोज। मम्मी बना रही है पनीर वाले मोमोज बना रही हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे कज़न्स को, मतलब मेरी कज़न है उसको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मम्मी ने सोचा कि हम ये बना लेते हैं। और इसमें क्या है, इसमें पनीर की स्टफिंग है। जिंदगी के खतरों से लड़ते का हम, खतरों के खिलाड़ी। वो तो कभी कभी रखते थे कांग्रेस में नहीं आ रहे क्यों भैया, कह रहे कि इसे बंद कर ले एक मिनट दीदी, खाऊंगी बोलना भी तो पड़ता है। अरे नहीं ना, मतलब इसे बंद कर ले एक मिनट दीदी, खाऊंगी मैं बोलना भी तो पड़ता है। अरे नहीं ना, मतलब मैंने तारीफ फोटो खींच लिया और खा जा ले, फोटो मत दीवार से। भाई तुमने मेरी फोटो ही नहीं लिया, मैं मोबाइल को फोन करूंगी। करते करते आप तो ऑन नहीं देंगे। वो तो हर बार की मिल जाती है तभी बहस। कैसा लगा बुआ आपको शूट, एक बार बता दो तो वीडियो में, और हाय तो बोल दो एक बार। हाय हेलो, मेरा तो खुद की हाय लेनी है। और हैप्पी भाई दूज भी बोल दो, हैप्पी भाई दूज भी बोल दो। तू भी बोल दे काजल, तू कुछ बोल। अब हाय नहीं बोलना, कुछ फनी बोल, इसके बारे में फनी बोल दे, इस लड़के के बारे में। खुद ही फनी है, सुन तू तो हाय बोल दे। तेरा हो गया मतलब, टॉर्च करा ली तूने अपनी, कुछ बोलता क्यों नहीं है अपने आपको डिफेंड करने के लिए, कुछ तो डिफेंड करने के लिए बोल। डिफेंड कर
अरे तो कुछ आराम तू बोल सकता है, इट्स ओके, बोल सकता है कुछ। और वो सलोनी तू बहुत प्रिटी लग रही है। थैंक यू। काजल भी अच्छी लग रही है, पर दिवाली की पिक्स तेरी अच्छी आई थी। काजल की भी अच्छी थी, पर तेरी ज्यादा अच्छी आई थी। तू भी अच्छा लग रहा है, कबाड़ी वाले ही तो लगते हैं। ऐसा था मेरा भाई दू यार, आज भी पटाखे चल रहे हैं गाइज। मतलब यार ठीक है, दिवाली पे चलाओ पटाखे, बट और मेरी शक्ल को, मेरे बालों को गाइज अवॉइड करना, बिकॉज मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आज सुबह मैंने हेयर वॉश किए थे एंड मैंने अपने बालों में मतलब कॉम्ब तक भी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बिजी थी, बट किया ही नहीं है क्योंकि बहुत लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था। काम तो ऑब्वियसली बात है मम्मा ने सारा किया है, बट फिर भी थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। एंड मुझे एक बहुत जरूरी बात आप लोगों से करनी थी गाइस। मतलब अभी तक तो मेरे पास कंटेंट था कि फेस्टिवल्स थे या कुछ भी चीज़ें थी तो मैं बना रही थी वीडियोस, बट अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मेरे को आगे क्या कंटेंट पे काम करना चाहिए, बिकॉज जो मेरा डेली रूटीन का है ना उसका ऐसा हिसाब है गाइस, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मेरे पास में टाइम ही नहीं होता। मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ एंड फिर सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस में कुछ मैं दिखा नहीं सकती, शाम को घर आओ, घर पे आने के बाद में वही सारा सेम स्केड्यूल होता है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट करना कि मुझे किस चीज़ पे आगे काम करना चाहिए, क्या कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। अभी तक फेस्टिवल्स थे तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी एंड आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रही हूँ। और एक और चीज़ गाइस, जितने भी न्यू व्यूवर्स आते हैं गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, बेल आइकन भी प्रेस किया करो, जिससे कि प्रायोरिटी बेस पे आपको सारी वीडियोज़ किस। तो आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब लेके आ सकती हूँ, जो मतलब क्या कंटेंट मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकती हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि पहले मैं जैसे मैं कुकिंग वीडियोज़ बनाती थी, अरे यार कुकिंग वीडियोज़ मैं बनाती थी, तो अगर आप लोग बोलोगे कि मुझे वही कंटेंट पे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं वो भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और मैं कोई ट्रैवल करने वाली बंदी नहीं हूँ कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ नई नई जगहों पे, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है बिकॉज मैं वर्किंग हूँ, तो मेरा 9 to 6 मेरा ऑफिस होता है, तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे अगर मुझे डेली रूटीन में भी दिखाना है तो मैं क्या ही आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जो भी आप लोगों के पास में सजेशंस हो तो मोस्ट वेलकम गाइज, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे किस चीज़ पे आगे काम करना चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई दोज थिंग्स एंड आई होप आप लोगों को मेरी व्लॉग्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई नो गाइज मेरे से गलती हुई थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद में मैंने बहुत दिन तक कुछ भी कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया था, अराउंड 5 to 6 months मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो मेरे चैनल की जो रीच है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। ठीक है, वो आएगी धीरे धीरे, टाइम लगता है, जब मैं कंसिस्टेंट होंगी तब रीच आना स्टार्ट होगा, तो वो मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट दैट, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब तो जब रीच आएगी तब हम आगे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी के लिए कुछ भी सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ऐसा था मेरा आज का पूरा दिन, पहले मेरी बुआ आई थी, फिर मेरे मामा आए थे, और मैं ज़्यादा इसलिए भी शूट नहीं कर पाई गई, जब फेस्टिवल्स पे मिलते हैं ना सब लोग तो फिर टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादा मन करता है कि उनके साथ बैठो बातें करो। मेरे मामा भी आए थे तो मैं उनके साथ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने ली वो मैंने ऐड ऑन कर दी है। हाँ, मेरे कज़न्स के साथ थोड़ी हंसी मजाक हुई वो मैंने शेयर किया,
और सिर्फ मेरे मामा ही आए थे, बाकी कोई आ नहीं पाया था, कुछ काम वगैरह की वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे, वरना वो लोग भी आते तो मैं उनसे भी आप लोग को मिलवाती। तो ऐसा था मेरा भाई दूज का सेलिब्रेशन का डे गाइस, और मतलब बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आती है जब फेस्टिवल्स आते हैं। आई होप आप सबके फेस्टिवल्स भी बहुत 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 हैपनिंग रहे होंगे, मेरे तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहे थे इन अ गुड वे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पर मैं एंड करूँगी, क्योंकि आज बहुत टायर्ड हो गए हैं, आप लोग भी थक गए होंगे, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार फेस्टिवल्स चल रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक होते हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन एंड आपका भाई दूज, 5 दिन बिल्कुल पैक्ड हो जाते हैं ना, और मुझे कल ऑफिस भी जाना है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल कल मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय।